أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة الرافعة. خافضة الرافعة. رافعة. رافعة. خافضة الرافعة. خافضة الرافعة. إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا. 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 راكم متكرنا. إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. 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 فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. 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 فأصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة. ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة. ما أصحاب المشأمة. ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. أولئك المقربون. أولئك المقربون. والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. أولئك المقربون. أولئك المقربون. في جنات النعيم. 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 نون مشدد جب بھی ہو یعنی نون پرشد ہو میم پرشد ہو ہر حالت میں غنہ ہوتا ہے کوئی استثناء نہیں ہے. فی جنات النعیم. فی جنات النعیم. ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الاولین. سا ہے سا 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 زبان کی نوک لگے گی. ہاں ثلۃ من الاولین. ثلۃ من الأولين. ثلة من الأولين. ثلة من الأولين. ثلة من الأولين. أولين. أولين. فاني فاني أولين أولين أو أو أولين و دبليو ساوند ساري دبليو. ثلة من الأولين. ثلة من الأولين. وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين. آخرين. آخرين. وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين. والسابقون السابقون. والسابقون السابقون. أولئك المقربون. أولئك المقربون. في جنات النعيم. في جنات النعيم. ثلة من الأولين. ثلة من الأولين. وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين. ابھی شروع سے یہاں تک ساتھ پڑھیے تو کوشش کیجئے کہ میرے ردم میں رہیے میرے ساتھ رہیے آگے پیچھے مت ہوئیے اور فکس کرنے کی کوشش کیجئے. تین دفعہ اس کو ایسے پڑھ لیتے ہیں ساتھ تو ایک فلو آپ کا بن جائے گا. اس کو گھر میں سنیں
ये तीन तीन चार चार आयतें अभी आपको अगर साथ साथ याद नहीं होंगी तो फिर याद नहीं होंगी, तो याद करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये एक तो हमारे हिफ्ज में कुछ इजाफा हो जाए। अब उसका आसान तरीका ये था कि चार आयतें जो पहले हफ्ते की थी उनको नमाज में पढ़ते रहते एक रकत में, ये इन्ना आतना से जान छुड़ा लीजिए, यानी उसको कभी वो भी पढ़नी चाहिए, बहुत अहम है, कुल अल्लाह हू अहद भी बहुत अहम है, लेकिन अब सिर्फ ये धोखा देने के लिए कि हमें इससे बहुत मोहब्बत है, उन सहाबी की हदीस को सामने रखते हुए जो आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, कुल अल्लाह हू अहद के बारे में उन्होंने कहा हर रकत में वो पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी क्यों पढ़ते हो, तो कहने लगे मुझे बड़ी मोहब्बत है, इंशाल्लाह तआला तुम्हें बख्शवा लेगी, तो नवाफिल में वो हर सुन्नत में हमेशा वही पढ़ते थे, ये सिर्फ उनके लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा नहीं किया, बाकियों ने भी ऐसा नहीं, करना जायज़ है लेकिन पसंदीदा नहीं, पसंदीदा ये कि बाकी कुरान से भी ताल्लुक, एक ही बात अल्लाह सुबहानहू व तआला से आज बता रहे थे मौलाना, एक ही बात अल्लाह से कहते ना बार बार, और भी तो बातें सारे अल्लाह का कलाम है, अल्लाह को सब प्यारा है, तो नई चार आयतें याद की तीन आयतें याद की वो तीन, इसीलिए तीन तीन से कम नहीं करते कि तीन हो जाएंगी तो एक रकत में हो जाएंगी, तो दिन की 17 रकतें फ़र्ज़ हैं उसमें तो इमाम के साथ होते तो वहाँ तो पढ़ना नहीं है जमात के अंदर, लेकिन 17 इसके अलावा 12 सुन्नतें हैं आपकी गैर सुन्नत मौकदा 12 हैं उसमें, और उसके अलावा कुछ और नवाफिल में तहज्जुद इशराक हुआ बिन जो भी मौका मिले उनमें ये पढ़ी, तो हर रकत उसमें हर रकत में पढ़ी, याद करने के लिए कर रहे हैं तो पहली रकत में तीन ये वाली, दूसरी में तीन वाली, ये चार और तीन करते रहिए तो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला नहीं भूलेगा, पुख्ता अगर पढ़ता रहे। सूरह फातिहा के साथ कोई भी सूरत की चार मिनिमम तीन आयतें कोई सी भी तीन आयतें पढ़ सकते हैं, तो अब ये नहीं है तो ये तीन आयतें पढ़ेंगे इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वल असर वगैरह बल्कि उसकी दो पढ़ लेंगे तब भी ये नहीं होगा, इसलिए कि इसमें सोच के पढ़ेंगे इज़ा वक़अतिल वाक़िआ तजवीद और तरीके से, और याद भी नहीं पक्का तो भी गौर करना पड़ेगा, सोच सोच के पढ़ेंगे, तो नमाज में पूरा फोकस। तो लोग पूछते हैं कि भाई खुशू कैसे पैदा करें, ऐसे पैदा करें, वो तो पैदा करना नहीं है असल में, तो खाली पूछना है कि खुशू नहीं होता नमाज में क्या करें उसके लिए, उसके जो स्टेप्स बताते हैं करते हो नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है करेंगे नहीं, ये है करने का काम। तो हर रोज़ जो तीन तीन चार चार आयतें हैं उनको सुबह से शाम हर नमाज में लगा दीजिए, ना हो जिस दिन भूल जा रहे यार आज नहीं याद रहा, तो उसका ये जवाब ये नहीं कि नहीं याद रहा, कोई फिक्र की बात नहीं, दो और नफिल पढ़ लेते, चार सुन्नतें पढ़ी थी उसमें नहीं याद रहा, ओह गड़बड़ हो गई, जैसे याद आया रात को याद आया, तो आज की 12 रकतों में 12 दफ़ा पढ़नी थी, चार छः में वो 12 रकतें भी पढ़ो, एक दफ़ा नफ्स को ऐसा करके देखिए, दूसरे दिन आपको खुद याद दिलाएगा भाई साहब वो चाहे वो आपको तीन आयतें याद नहीं है वो पढ़ लीजिए ताकि रात में ना पढ़नी पड़े। तो दिमाग को सही करने के तो तरीके हैं, लेकिन करना कोई चाहे तो है ना, तो ऐसे करना चाहिए कि जिस दिन न किया हो उस दिन आपको रात में जगाए, क्योंकि कोई बात नहीं 2 घंटे अब बैठ के पढ़ो, 15 मिनट लगेंगे 20 मिनट लगे, एक दफ़ा नफ्स को दो दफ़ा नफ्स को चार, शुरू में ज़रा वो उछलेगा बाद में ऐसा काबू में आएगा कि कहेगा नहीं भैया हमें वही बेहतर है, एक दफ़ा दिन में पढ़ ले नहीं भुला उसको, भूलने मत दो, सही है, अल्लाह तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो जिसको पूरा याद हो उसके लिए अलग बात है, आप तो कहीं से भी पढ़िए, इसीलिए तो आपको बताते हैं कि तीन तीन चार चार भी जो याद हो जाए वो याद करते जाइए। चलिए साथ पढ़िए, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب المشأمة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. عمني حمزة حمزة مشأمة إيه نوم نوم اسمه كوي مهنت نہیں کرنی ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين آخرين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.